जय हिंद मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ करंट। यहाँ पे देखिएगा इन सर्किट डायग्राम, यहाँ पे ले लिया है फेज एंड न्यूट्रल, ये सप्लाई है, इसको कनेक्ट किया जाएगा सिंगल फेज वेरिएक के साथ जिसका दूसरा नाम ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, और उसको हमने पहले कनेक्ट कर लिया इस वोल्ट मीटर में। जो पहले वीडियो में हमने देख लिया कि वोल्टेज मेजर करना है तो इसको यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट कर लिया सप्लाई के साथ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करंट मेजर करना है तो उसके लिए ये एमीटर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। एमीटर में से हम करंट मेजर कर सकते हैं और ये हमारे सप्लाई के साथ सीरीज में रखा जाता है। वोल्टेज अगर मेजर करने हैं तो हम पैरेलल लेते हैं, और करंट मेजर करना है तो उसको हम सीरीज में रखेंगे, और सीरीज के उसके साथ हम लोड कनेक्ट करते हैं जो रेजिस्टिव लोड हमारा हो सकता है। अगर लोड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा धीरे धीरे तो यहाँ पे एमीटर का रीडिंग जो है, करंट का जो रीडिंग है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली करंट को कैसे मेजर करते हैं। तो ये हमने दे दिया यहाँ पे सप्लाई स्विच बोर्ड से, उसको हम देते हैं यहाँ पे सिंगल फेज वेरियक में। सिंगल फेज वेरियक के साथ वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं, पर आज हमने कनेक्ट किया नहीं है क्योंकि आज हम करंट मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने 230 वोल्ट देके सप्लाई दे दिया है, और ये हमने एम्पियर मीटर जहाँ पे हम करंट मेजर करने वाले हैं इस इंस्ट्रूमेंट में सीरीज में कनेक्ट किया है। देखिएगा ये हमारा फेज कहाँ पे आएगा, एम्पियर मीटर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो फेज का जो एंड टर्मिनल है उसको हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा स्विच बोर्ड है और उसमें हम लैंप लगा लिया है इसमें, तो लैंप से भी हम लोड कनेक्ट करके ग्रेजुअली इंक्रीज करके करंट कैसे मेजर करते हैं वो अभी देखते हैं। और ये जो उसका एंड टर्मिनल है वो ये न्यूट्रल में आ गया लोड का, तो ये पूरी हमारी सर्किट कंप्लीट हुई। पहले हम लोड को ग्रेजुअली देते हैं तो करंट में ये एम्पियर मीटर में क्या होगा वो अभी देखते हैं। फर्स्ट स्विच वी आर कीपिंग ऑन, द बल्ब इज ग्लोइंग, सी दैट यहां पे बल्ब ग्लो हुआ तो हमारा एम्पियर मीटर का जो रीडिंग है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, वो यहां से हम देख सकते हैं। अब दूसरी स्विच हम ऑन करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ भी यहां पे हम इंक्रीज होते देख सकते हैं ग्रेजुअली, यहां पे ही रखिएगा। अगर थर्ड स्विच हम ऑन करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं, तो करंट यस इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देगा वहां पे, तो हम देख सकते हैं वहां पे अप्रोक्सीमेटली 2.4 करंट मीन्स एम्पियर मीटर से हम देख सकते हैं, और ये हमारा लोड है। ग्रेजुअली अगर हम लोड को डिक्रीज करते हैं तो हमें एम्पियर का जो रीडिंग है वो भी डिक्रीज होता मालूम पड़ेगा, वो भी हम देख सकते हैं। सपोज हमने ये स्विच ऑफ कर दी, लोड हमने कम कर दिया, तो एम्पियर मीटर का जो रीडिंग है वो कम होगा। दूसरी स्विच हम ऑफ करते हैं तो उसका भी करंट डिक्रीज होने के वजह से जो रीडिंग है वो भी डिक्रीज मीन्स कम होता चला जाता है, और ये हमारा फाइनली स्विच ऑफ कर देते हैं तो ऐसे हमें रीडिंग मिलेगा। तो लोड को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया और ग्रेजुअली डिक्रीज किया। ये प्रैक्टिकल हुआ हमारा मेजरमेंट ऑफ करंट इन सिंगल फेज सर्किट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।